राजपूत नाटक का पहला प्रीमियम शो है। इस नाटक के रचयिता हैं प्रताप सहगल जी, जो दिल्ली से हैं। हमें यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि वह नाटक देखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रताप सहगल हिंदी जगत का जाना पहचाना नाम है। वह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वह हिंदी के कवि, नाटककार, आलोचक हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनके प्रमुख नाटक हैं अन्वेषक, चार रूपांत, रंग बसंती, मौत क्यों रात भर नहीं आती, बुल्ले शाह, तीन गुमशुदा लोग, नहीं कोई अंत, रास्ता इधर भी है, अंधेरे में, किस्सा गुलाबों का, पांच रंग नाटक, कोई और रास्ता, छू मंतर आदि। इस नाटक के संगीतकार श्री मुरारी राय चौधरी जी हैं। इन्हें भी संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया जा चुका है। स्थापना 1994 में की गई थी। भारतीय रंगमंच में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। दिल्ली लिटिल थेस्पियन एक अखिल भारतीय नाट्य संस्था है। समाज में कला और संस्कृति का विकास इस संस्था का मूल उद्देश्य है। डॉक्टर एस एम अजहर आलम और उमा झुनझुनवाला द्वारा शुरू किए गए लिटिल थेस्पियन की कुछ एक विशेषताएं उल्लेखनीय है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में ये नियमित प्रदर्शन करते रहते हैं। लिटिल थेस्पियन ने अपनी प्रस्तुतियों के साथ हमेशा दर्शकों को कलात्मक और बौद्धिक रूप से उत्तेजित करने वाले सामाजिक रूप से प्रासंगिक नाटक पेश किए हैं। इस नाटक के निर्देशक हैं निलय राय जी। निलय राय समाज की अपनी समझ और थिएटर के माध्यम से संवेदनशीलता को चित्रित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा स्वीकृत प्राप्त किए जाने वाले युवा एशियाई निर्देशकों में से एक हैं। वह एक नाटककार के रूप में 50 से अधिक नाटकों के लेखन कर चुके हैं। इनके ये अभिनेता और निर्देशक, कृपया आप लोग फ्लैश देकर पिक्चर न लें और अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। फोटो लेना मना है। कृपया आप सभी सहयोग कीजिएगा।
Thank you.
कि ये
तीसरी स्वातंत्र का दूसरा दौर था। विकास के क्रम में पहले परिवार की मुखिया स्त्रियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे पुरुषों को जब स्त्रियों का वर्चस्व पसंद नहीं आया तो समाज में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित होता चला गया और परिवार पुरुषों के नाम से जाना जाने लगा। शारीरिक सभ्यता का एक संस्कृति विहीन विधान था जिसके नीचे स्त्रियां गिरती चली गई। अब सुरक्षा और शोषण दोनों साथ साथ जीने लगे। नहीं करती।
Thank you.
सोचकर नाजायज वादा उठाते। तुम सिमोन लोबोवा को पढ़ती हो, एलिजाबेथ को पढ़ती हो, उसके बाद भी ऐसी बातें। लेकिन विवाह जन्म धर्म का बंधन है, उसने कहा नहीं, विवाह एक सामाजिक समझौता है, दायित्व है, गुलामी का बंधन नहीं है। Okay.
Thank you.
এই নাটক যেমন ভালো কি ভালো না ভালো তা আমার বলার দরকার নেই, আপনারা নিজেরা দেখেছেন, আপনারা জানেন। আপনাদের উপস্থিতির জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং তোমার প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই যে এরকম সাহস নিয়ে এরকম লড়াই করে ওর জীবনের অনেক দুঃখ সয়ে আজ এইখানে সে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য ওর সাথে সাথে এবং আমার অনেক যারা লাইট মিউজিক্যান আদার্স করেছে তাদের আমি কংগ্রাচুলেট করি, তাদের আমি ভালোবাসা জানাই। তারা সত্যি সত্যি তারা আপনার চেষ্টা করেছে এই নাটকটাকে সহযোগিতা করবার জন্য। নাটকটা একা হয় না, সম্ভব মিলে হয়, তাই আমি সাউন্ডের লোক, লাইটের লোক, স্টেটের লোক এবং ও অ্যাক্ট্রেস যারাদের হেল্প করেছে সকলকে আমার কংগ্রাচুলেশন। एक बीज बोया था इस शहर में, तो इस शहर का प्यार, लेकिन तस्वीर का प्यार, सैल सर का प्रताप सैल सर का प्यार, आशीर्वाद मुरारिंदा का आशीर्वाद और सबका साथ आज एक छोटा सा पौधा बन गया है इस नाटक के रूप में। इसे निखारेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। कल भारत सरकार सर का जन्मदिन है, आज हम ये नाटक कर रहे हैं, ये बहुत खास बात है। हम जो नाटक करते हैं उससे बहुत हमने सीखा है कहीं ना कहीं, और नाटक का जो जज्बा है उसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग साथ रखिएगा। शुक्रिया कोलकाता। अब हमने आज आप सबका आशीर्वाद पाया है और मंचस्थ ये जो आशीष वचन सुना है हमने, कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि हमारे आदरणीय सुरेश भाई मंच पर आए। सुरेश भाई साहब आए, आज इनका महत्वपूर्ण जन्मदिन है, तो मैंने कहा कि तो खुशी की बात है, आज हमारा शो है, तो चलिए आज हम आपका केक मंच पर काटेंगे। तो सुरेश भाई पूरे हर महीने एक शो इस नाटक का हमारा तय।